देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया लग रही है ना ये पनीर क्रिस्पी, कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है ना। तो उसको देखिए मैंने ऊपर से क्रीम डाला, तो ये बिना लहसुन प्याज की ये मैंने पनीर क्रिस्पी बनाई। देखिए मैं उठा के दिखा रही हूँ, मैं ये मस्टर्ड ऑयल में बना रही हूँ। तो 3 से 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल को मैंने गर्म करके ठंडा किया, उसमें 1 टीस्पून जीरा, 8 से 10 हमने इसमें मेथी छोड़ी दाने, मेथी के दाने, और 2-3 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, और 2 लाल मिर्चे सूखे वाले, और 2 बे लीफ छोड़ा है, 2-3 लौंग छोड़े हैं, और 1 इंच सिनामिन छोड़ा है, और मैंने 4-5 टमाटो का मैंने पेस्ट बनाकर उसमें 2 इंच अदरक डाल करके उसका पेस्ट रेडी किया था, उसको मैंने इसमें डाल दिया और इसको ढक दिया कुक होने के लिए। फिर ज़रा ज़रा से जब तेल थोड़ा रिलीज़ होने लगा तब मैंने इसमें सूखे मसाले छोड़े। तो हम घर में हल्दी तैयार करते हैं तो उसको कच्ची हल्दी को मैं पीस के रखती हूँ, तो उसको 1/2 टीस्पून हल्दी डाला है, 2 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है, 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है, और आप रेड चिल्ली पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। हमने 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर छोड़ा है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हमने डाले हैं, फिर इसको अच्छा मिक्स करके हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, पास से कितना अच्छा कलर लग रहा है ना। तो मेरे पास लगभग 1 बंच पालक था, लगभग 350 ग्राम के राउंड पालक रहा होगा, मतलब आधा किलो से कम और पाव भर से थोड़ा ज़्यादा था। देखिए मैं ये घी छोड़ रही हूँ, तो 2 टेबलस्पून हमने घी छोड़ा है, आप चाहें तो बटर भी छोड़ सकते हैं, और दोनों ही का ये फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आपको जो पसंद हो। तो हमने 2 टेबलस्पून घी छोड़ा और फिर इसको अच्छा मिक्स किया, फिर उसके बाद इसको थोड़ा ढक दिया मैंने थोड़ा और कुक होने के लिए। और ये देखिए पालक है, इन पालकों को मैंने ब्लांच कर लिया था, मतलब पहले बॉयल वाटर में मैंने 30 सेकंड के लिए डाला, फिर उसको आइस वाटर में 30 सेकंड के लिए डाल के निकाल लिया था, स्क्वीज करके फिर उसको हमने मिक्सी में डाल के क्रश कर लिया और उसको फिर इसमें डाल दिया। देखिए फिर इसको भी मैंने 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लिया, और उसमें इसकी बिटरनेस को कम करने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के अराउंड दही छोड़ा, क्योंकि मेरे पास में टमाटर की मात्रा अच्छा है, तो मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून छोड़ा। अगर टमाटर की मात्रा कम है तो आप कर्ड की मात्रा बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने दही डाल के भी इसको 2 से 4 मिनट तक पकाया होगा, फिर इसको हमने नमक डाल दिया इसमें। देखिए पकने के बाद कितना अच्छा लुक लग रहा है इसका, कितना अमेजिंग लग रहा है, तो ऐसे आपको भी बनेगा और ये बिल्कुल फील नहीं होगा कि इसमें लहसुन प्याज की कोई कमी है। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ नीचे लाइक का बटन है तो उस पर ज़रूर क्लिक करिए, और आपको कोई भी सजेशन देना हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। और देखिए ये मैंने 2 टेबलस्पून के अराउंड ही मैंने इसमें फ्रेश क्रीम आज के दूध की निकाल के इसमें डाली है, और इससे भी बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा स्वाद आता है और स्वाद तो इन्हेंस करता ही है। तो मैंने क्रीम डालने के बाद भी इसको 1 मिनट तक अराउंड पकाया है ढक करके, और फिर मैं चूँकि चिली भूल गई थी, ग्रीन चिली, तो फिर मैंने इसमें चिली डाल करके बाद में पनीर डाली। ये होममेड पनीर है, मैंने घर में बनाई है, और पनीर कैसे बनती है घर में, कितनी अच्छे तरीके से बन सकती है, कि कितनी फ्रेश रहेगी और उसमें बाइंडिंग कितनी अच्छी होगी, ये सब सारे टिप्स के साथ मैंने पनीर की वीडियो बनाई है, हाउ टू मेक पनीर। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो मैं अपने इस रेसिपी में उसकी लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए पास से दिखाने पे कितना अमेजिंग लग रहा है ना। देखिए मैं लास्ट में इसको फ्रेश क्रीम से ही गार्निश कर रही हूँ। इस रेसिपी का टेस्ट बढ़ाने का सीक्रेट ये है कि हम जो भी सूखे मसाले हैं उसको ऑयल में डायरेक्टली ना डाल करके टमाटर और अदरक के पेस्ट में जो हमने डाला उसमें डालते हैं। उससे क्या होता है कि सूखे मसाले जल्दी जलते नहीं हैं, उसका स्वाद बहुत इन्हेंस होके आता है अदरक की वजह से और टमाटर की वजह से, तो ऐसा करने से स्वाद बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और प्लीज़ टू सब्सक्राइब।